तो वही सब गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग से कस्टमर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्रोजेक्ट अरकाना, जो कि प्रोजेक्ट आर के नाम से अवेलेबल था एंड्रॉयड वर्जन 11 में, और काफ़ी सारे यूज़र्स को ये कस्टमर पसंद आया था। मैंने रेडमी नोट 8 के यूज़र्स को ये रूम रिकमेंड किया था और काफ़ी सारे यूज़र्स ने बताया कि आर के नोस काफ़ी ज़्यादा बेटर कस्टमर बताया उन्हें एंड्रॉयड वर्जन 11 में। बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन 12 में, अनऑफिशियल वर्जन हमारे पास अवेलेबल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस। देखिए एंड्रॉयड वर्जन 12 की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं, कस्टमाइजेशन तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे और एज एक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर क्विक सेटिंग्स की बात करेंगे तो थोड़े से मॉडिफाइड क्विक सेटिंग्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपके पास क्लॉक है, आप पिक कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल आपके पास अवेलेबल है और इसमें आपको पिक्सल लॉन्चर नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको लॉन्चर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। कस्टमाइजेशन आपको लॉन्चर में भी देखने को मिल जा रही है यहाँ पर इस बार। क्विक सेटिंग स्पैन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस तो आपके पास अवेलेबल है, कस्टम टाइल्स आप ऐड कर सकते हैं, एम्बिएंट डिस्प्ले, स्क्रीनशॉट, ये सभी टाइल्स आपके पास अवेलेबल है। और क्विक सेटिंग्स के अंदर कस्टमाइजेशंस जब आप चलेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जब आप बात करेंगे तो। एक और इसमें आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो है इसमें वॉलपेपर्स, काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं, यानी कि आर्केनरी नाम के ऐप के अंदर जब आप देखेंगे तो काफ़ी सारे वॉलपेपर्स अवेलेबल है। कुछ वॉलपेपर्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको वॉलपेपर चाहिए तो आप इसे ज़रूर ट्राई आउट कीजिए। सेफनेस स्टेटस मैटर्स अलॉट, और सेफनेस स्टेटस की बात करेंगे तो वो आपके डिवाइस में आपको पास देखने को मिलेगा। अगर आपने अपने डिवाइस को रूट किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर रूटेड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेफनेस स्टेटस आपको पास ही देखने को मिलेगा। मेरे केस में मुझे कोई भी इशूज़ नज़र नहीं आए। बाय द वे मैंने अपने डिवाइस को रूट किया हुआ है थ्रू मैजिस्क, तो मैजिस्क मैंने अपने डिवाइस को रूट किया 23 वर्जन, जो लेटेस्ट मैजिस्क वर्जन है फिलहाल वाइल मेकिंग दिस वीडियो, उसमें अगर बात करेंगे तो बिल्कुल अगर आपने अपने डिवाइस को रूट किया तो आपको भी बस मैजिस्क के अंदर मैजिस्क हाइड को इनेबल करना है, और जैसे मैजिस्क हाइड को इनेबल करेंगे तो उसके बाद सेफनेस स्टेटस आपके डिवाइस में पास आपको नजर आएगा। कोई भी मॉड्यूल मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आपको सेफनेस स्टेटस में कोई भी इशूज़ देखने को नहीं मिलेंगे, बेटर थिंग। कैमरा की बात करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कैमरा MIUI कैमरा अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करेगा, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपको देखने को मिलेगा MIUI कैमरा जो प्री इंस्टॉल्ड है, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर Google कैमरा Go एडिशन भी प्री इंस्टॉल्ड ही देखने को मिलेगा। ये मैंने कोई भी यहाँ पर कैमरा का ऐप बाय द वे बाद में इंस्टॉल नहीं करा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको MIUI कैमरा Google कैमरा Go एडिशन देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड काम करेगा। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट कैमरा में काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और कैमरा अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपके पास 3 कैमरास प्री इंस्टॉल्ड हैं, नॉर्मल MIUI कैमरा, गूगल कैमरा गो एडिशन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कैमरा, तो 3 कैमरा मोड्स आपके पास अवेलेबल है। जो भी कैमरा आपको पसंद आए आप उसे यूज़ करिए, और आपको और तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात करते हैं सेटिंग्स की UI की, सेटिंग्स की UI की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको इसमें UI देखने को मिलेगी। टॉप पर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स, और थोड़े से डिफरेंट थोड़ा सा ऑक्टावियस जैसा डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो आपको ऑक्टावियस में देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा। रेडमी नोट 8 में कुछ कस्टमर्स में आपको इनक्रिप्शन जो है वो डिसेबल देखने को मिलेगी, जो कि वैसे बेटर चीज़ है रेडमी नोट 8 या स्पेशली एंड्रॉयड वर्जन 12 में, जहाँ पर रिकवरी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइस है वो एनक्रिप्टेड शो होगा तो आपको इंटरनल स्टोरेज काम नहीं करेगा। उसी के साथ साथ आपको Xiaomi पार्ट्स भी इंक्लूडेड ही देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर Xiaomi पार्ट्स आपको चाहिए तो वो भी आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगे, यानी कि इस रूम में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरे ख्याल से। अगर हम बात करते हैं गेमिंग मोड की तो एंड्रॉयड 12 का गेमिंग मोड इसमें नहीं देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सिडम UI का गेमिंग मोड देखने को मिलता है। तो अगर आप एंड्रॉयड 12 के गेमिंग मोड को पसंद नहीं करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको, ये गेमिंग मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको पसंद आएगा। गेमिंग की बात करते हैं तो अगर आप BGMI खेलते हैं तो 90 FPS प्री आप बोल सकते हैं, प्री इंस्टॉल्ड या बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो ज़रूर पसंद आएगा आपको ये भी। उसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज फॉर फुल रेजोल्यूशन फोटोज एंड वीडियोस अपलोडेड फ्रॉम पिक्सल डिवाइस, बिल्कुल आपको अनलिमिटेड गूगल स्टोरेज भी देखने को मिलेगी, फोटो स्टोरेज, अनलिमिटेड ओरिजिनल क्वालिटी, दैट्स गुड। परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि CPU थ्रॉटलिंग की, तो बिल्कुल आपके पास यहाँ पर नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, और 142552 इज द मैक्सिमम परफॉर्मेंस,
दैट इज़ ग्रेट। और मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है, ज़रूर यूज़ करिए इसे भी आप। अगर बात करेंगे कुछ कस्टमाइजेशंस की, तो कस्टमाइजेशंस तो आपके पास काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। अगर आपको इन कस्टमाइजेशंस को ट्राई करना, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल सी कस्टमाइजेशन है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, जो एंड्रॉइड 12 में आपको भी चाहिए वो सभी कस्टमाइजेशन के फीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बाकी सब चीज़ें सेम है। अगर आपको इस कस्टम को ट्राई आउट करना है तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें जगह लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। अनटिल देन, गुड बाय, टेक केयर। Over the edge, feel like I'm floating through the air.